अब हम लोग पढ़ते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो ये आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है और अवरोही। तो आरोही अवरोही क्रम से पढ़ने से पढ़ले हम लोग ये देख लेते हैं कि कैसे पता करते हैं कौन दशमलव संख्या बड़ी है, कौन दशमलव संख्या छोटी है। तो ये अगर समझ में आ जाता है फिर हम लोग को आरोही और अवरोही पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे तीन चिन्ह होते हैं, जैसे ये देखिए, ये किसका चिन्ह है, बराबर का। फिर ये मतलब जिधर मुंह खुला उधर वाला बड़ा, ये वाला जिधर मुंह खुला उधर ठीक छोटा का, ये बड़ा का मतलब इसका यही मतलब होता है, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, जिधर मुंह नहीं खुला उधर छोटा, इस मतलब इधर से बड़ा। अभी आगे हम लोग देखेंगे इसका प्रयोग। अभी हम लोग जैसे खालिस्तान की पूर्ति बच्चों को पढ़ते हैं, उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे खालिस्तान की पूर्ति करना। अगर हम ये बताएं 0.5, यहाँ एक बड़ा सा बॉक्स बना दें, फिर यहाँ लिख दें 0.5000, निम्नलिखित में कौन सा चिन्ह भरा जाएगा। और चिन्ह ये है, पहले बराबर, फिर ये, फिर ये, कौन सा चिन्ह से भरा जाए, निम्न बताएं आप लोग। हाँ तो इसमें कौन सा चिन्ह भरा जाएगा, हाँ हाँ मतलब कौन, इधर ये बड़ा कि ये बड़ा, ये वाला ना, आप बताइए, ये बड़ा है, हाँ हाँ ये बड़ा। तो ये इसके पहले मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, अगर इसके पहले अगर आप लोगों ने क्लास ली होती तो आप लोगों को शायद पता होता। इसमें भी देखिए क्या करना है, अब इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा, ये दोनों बराबर है। कैसे बराबर है, इसको देख लीजिए, इसको बदलेंगे भिन्न में, अगर इसको भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5/5, इसको भी बदलेंगे तो 5 के बाद दसमलव जगह 1 लिखेंगे ठीक, ये तो 0 0 मान ले 3 0 है, दसमलव के बाद 1, उसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 लड्डू, 3 लड्डू कैंसिल, बचा 5/10, यही 5/10, तो 5 × 5 5 × 10 बचा 1/2, 5 × 5 5 × 10 बचा 1/2, ये भी 1/2, ये भी क्या हुआ, ये इक्वल हुआ ठीक, दोनों क्या हो गए दूसरे में बराबर। अब लड्डू बड़ा देखे, सोचे बड़ा होगा, तो ये है छोटे छोटे सवाल, लेकिन जब तोड़ते हैं इसको, हम आपको जब तोड़ते हैं तो काफी बड़ा कर देते हैं, एकदम बेसिक है सीटेट के लिए, एकदम बेसिक। समझ में आ रहा है आप लोग को, चलिए तब आगे बढ़े, तब आगे बढ़े। देखिए ए माने बराबर, बी का चिन्ह, सी का चिन्ह, अब इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करना, खाली ए बी सी, कौन सा विकल्प भरा जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले लगाता है। 0.027, 0.0054, यह 0.0027, 0.027, यहां पे 0.0054, बताइए दीक्षा जी कौन सा, एबीसी बताइए कौन सा है, हाँ बराबर बी वाला, अच्छा अंतिमा नाम आपका ना कि प्रारंभ अंतिमा, तो कौन सा सही है, इसमें समझ में नहीं आएगा नया कौन सा बड़ा, इसको पहले बदलेंगे भिन्न में, बटे में, जब बटे में बदलेंगे तो क्लियर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.027/10 जगह 1, जय अंक है तय लड्डू, तो क्या मिला आपको 27/1000,
इधर आइए, इधर हम लोगों ने बदला तो 0.0054 बटे 10.1, चार अंक है, चार लड्डू, 1, 2, 3 चार लड्डू, 10 खत्म। अब बताइए अभी हो गया 54/10,000 या 27/1,000। तो जब हर की बात आए, जीरो की बात आए, तो जो छोटा होता है वो बड़ा, और जो बड़ा है वास्तव में छोटा। ये कैसे है? फिर उसको भाग देंगे, फिर ये प्राप्त होगा। ठीक, अभी भाग दे के चेक कर लेंगे। अगर भिन्न बराबर करना है ना, अभी ध्यान दीजिएगा, कहेंगे सर अभी भी समझ में को नहीं आया, तब क्या करते हैं? हाँ, फिर से रिपीट कर। देखिए ये 27/1,000 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? 10.1 जय अंक है तय लड्डू, यहाँ 10.1 जय अंक है तय लड्डू, चढ़ा दिए लड्डू। अब कहेंगे 27/1,000 चौवन बढ़ेगा, अब कहीं समझ में कौन छोटा बड़ा है। अब क्या करेंगे? सबके लड्डू बराबर करेंगे। क्या करेंगे? सबके लड्डू। जब सबके लड्डू बराबर करेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे? 1,000 था ये, 10,000 था, यहाँ का लड्डू करेंगे बराबर होगा, इसमें भी चार लड्डू, इसमें चार लड्डू करेंगे, तो अंश और हर में दोनों में एक लड्डू बढ़ा देंगे। ध्यान दीजिएगा, अंश और हर में दोनों में एक लड्डू। देखिए इधर हो गया, और ये कितना है? 54/, यहां भी चार लड्डू, यहां भी चार लड्डू। तो अब ये माना चार लड्डू से 54 बड़ा है, 70 बड़ा है, 54 बड़ा है, 270 बड़ा है, इसका मतलब यह भिन्न बड़ी है, मतलब यह पार्ट बड़ा, मतलब विकल्प बी का चयन करेंगे। अभी हम लोग भिन्न पढ़ेंगे, बताएंगे क्यों ऐसा हुआ। हम लड्डू बराबर कर दिए, अब अंश और हर दोनों लड्डू चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि खाली काली माई चढ़ाएंगे, दुर्गा माई नहीं चढ़ाएंगे। ठीक, दोनों माई चढ़ाना होगा, काली माई दुर्गा माई, नहीं तो पाप पड़ेगा। माने अंश और हर दोनों में लड्डू बढ़ेगा, और एक नहीं, एक तरफ दाई तरफ, एक तरफ बाई तरफ, दोनों तरफ दाई तरफ बढ़ेगा। ठीक, अब आपको समझ में 270 बड़ा है कि 54 बड़ा है? ठीक, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, कैसे करना है इसको? अब आगे देख कर लेंगे ना, छोटा बड़ा वाला मजा आ रहा लगाने में, सरल सरल क्वेश्चन है तो मजा आई करेगा। सत्ताईस पॉइंट जीरो टू सेवन सॉल्व करिएगा आप लोग, उम्मीद करते हैं सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसी बात नहीं है, हमारी तरह आप लोग मंद बुद्धि बालक नहीं है, हाँ तो ठहरे मंद बुद्धि बालक आप लोग प्रखर। आ गया सी वाला, ए वाला ने बराबर है, बताइए आप लोग सी वाला कैसे? चलिए देख लेते हैं, इसी को बदल लेंगे, हाँ भिन्न बदलेंगे, ये हो जाएगा 27/0027, यहाँ 10 है, एक के बाद 1, 2, 3 चार लड्डू, इधर क्या लिखेंगे? 27/0027 यहाँ 10 है, 3 लड्डू, यहाँ 4 लड्डू, यहाँ 3 लड्डू, इसको चार लड्डू करेंगे तो ऊपर एक लड्डू, नीचे 2 लड्डू। अब अंश अंश को जब हर बराबर हो गया, जब हर समान, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, हाँ अभी दोनों में कौन बड़ा बड़ी यार दिख रहा है, सीधी से भैया 2 2 4 2 6 अंक,
दुई दुई चार दुई छह गेहूं है, ये कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दह हजार लाख, ये 2,70,027 और ये कितना है 2,70,270 और ये खाली 27, तो 270 बड़ा है 27 बड़ा है, इसका मतलब विभिन्न बड़ी है। ठीक, चलिए कम से कम समय में तो आप लोग को आया। चलिए आगे सॉल्व किया जाए, समझ में आया? ये सरल तरीका समझने का, नहीं तो आगे लगाते रहिए, ये इस तरह से बताया एकदम तोड़ के, एकदम आसान विधि। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अभी आप लोगों ने सीख लिया, अब आते हैं सबसे छोटा सबसे बड़ा संख्या ज्ञात करना। अमित जी कोई अंक बोलिए, बताइए आप कोई अंक बोलिए, कहीं चाहे जिसे बोलिए हम बना देंगे, जो आप कहेंगे वही सवाल शुरू करेंगे। अरे 0.1 मत बोलिए कोई संख्या, चलिए नहीं बोलेंगे हम, मैं लिखते हैं। चलिए 316.06, 316.06, सॉरी 6 केवल छह है, फिर 316.063, फिर 316.04। निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? निम्नलिखित में सबसे, यहां भी जीरो बढ़ा दिया, भूल गए, रुक जाइए हम। चलिए 316.06, 316.60, 316.0063, 316.40, 4 और 0, वे सबसे छोटी कौन सी है, या सबसे बड़ी कौन सी है, या आरोही या अवरोही क्रम में सेट करें। यहां से चार प्रश्न बन सकते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में सेट करें, सबसे छोटी या सबसे बड़ी, तो बताइए। कैसे लगेगा, क्योंकि विधि आपको पता हो गई है, ये अब ये नहीं बताना कि विधि भी बताएं आपको, अरे चाहे जैसे पूछे आरोही अवरोही जिस रोही पूछेगा उस रोही में कर ले जाएंगे। आ गया, कितना आया? सबसे छोटी कौन सी है? अच्छा दीक्षा, सबसे छोटी फर्स्ट वाली ना, हाँ सही बताए। नहीं आया, चलिए देखिए कैसे साल होगा। आपका आया, क्या नाम है आपका? हाँ अभिलेश, अभिलेश, अभिलेश। चलिए आपका लाहौल, अच्छा अभिषेक या अभिलेश? अच्छा ठीक, बैठे बैठे रहिए। चलिए इसको देखिए, पहले बदलते हैं, अपने पुराने नियम पे आते हैं, साल करते हैं। ये हो जाएगा 316.06, इसके नीचे लिखेंगे 100, दो अंक पे दशमलव हटाते चलें, ये कितना लिखेंगे 316.60, तो यहाँ भी कितना लिखेंगे 100, यह होगा आप यहाँ कितना लिखेंगे 316.063 है, 63 है, तो नीचे कितना लिखेंगे 1000, यहाँ कितना है 316.40, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ है 1000 और सब में है 100-100, तो सबको 1000 बनाइए, सबको 100-100 बनाइए, क्या बनाए 1000, 1000 बनाए, यहाँ लड्डू यहाँ लड्डू यहाँ लड्डू यहाँ लड्डू यहाँ लड्डू यहाँ लड्डू। अब याद तो हर बराबर है, हर को मिटा दो, नहीं मिटा सकते तब ऐसे पढ़ दो,
यहाँ पे देखिए, अब ये है 316,060, 316,600, 316,063, 316,400। इसको क्रम से लिखना चाहे तो देखिए, पहले देख लीजिए, फिर 316,060 ये हो जाएगा 316,600, 316,063, 316,400, 316,000 सब में है, ये 600 है तो 600 है, ये 316,000 है, सबसे बड़ा ये हुआ नंबर एक पे। बड़े में देखे जाए तो ये हो गया सबसे नंबर एक पे, एक पे ये 600 है और ये 400 है, ये हो गया आपका दूसरा, ये हर नहीं, मतलब ये मत समझिए हर लिख रहे हैं, तो ये हो गया आपका बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, जो हमारा क्रम है वो घटते हुए क्रम है ना, सबसे बड़ा पहले लिख रहे हैं, इसे कहेंगे और वही क्रम। ठीक, अब 400 हो गया, 600 हो गया, ये 60 है और ये 63। अब ले जी देख लीजिएगा, ये 63 है, 63 है माने 63 बड़ा 60 बड़ा है, 63 ये हो गया मतलब तीन नंबर, तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर। फिर सबसे छोटी हो गई ये हो गया चार नंबर। अगर सबसे पूछा बड़ा पूछेगा तो यह, और सबसे छोटा पूछेगा तो यह। ठीक, मैंने जानबूझ के इस तरह से प्रश्न दिया था ताकि आपको लगाने में थोड़ी समस्या हो, अगर थोड़ी समस्या नहीं होगी, अगर उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे नहीं। हाँ, अगर सुलझना है तो लझना होगा, और इस तरह से प्रश्न है ये कि देखन में छोटन लगाए और घाव कराए गंभीर, तो ये देखने छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब लगाना होता है, जब विकल्प सामने होते हैं, अभी तो यहाँ बैठे हैं, जब परीक्षा हाल में बैठते हैं इसका दो गुना प्रेशर होता है, और जब दो गुना प्रेशर होगा तो इतना सुलझे रहेंगे, तीन गुना तरीके से सॉल्व करेंगे आप। दस गुना प्रेशर रहता है परीक्षा में, लेकिन हम लोग को परीक्षा घड़ी में इसको कम करना है। एक आध सवाल और लगा लेते हैं, फिर आप लोग पढ़िएगा बाल्य अवस्था या बालकों की अवस्था, तो ये इसको साफ करें, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान भी जानते हैं, जब लिखित परीक्षा पढ़ेंगे आप लोग तो स्वच्छ भारत अभियान पढ़ना होगा, तो स्वच्छ भारत अभियान में भी हम लोग ये पढ़ेंगे कि वास्तव में स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 का आया, क्या इसके पहले क्या स्वच्छता के लिए कोई ऐसी योजना थी ही नहीं, क्या इसके पहले म्युनिसिपैलिटी नहीं थी, नगर पालिका नहीं थी, तो फिर चर्चा करेंगे, लेकिन ये लोग जानते रहा करिएगा कुछ योजनाओं केवल नाम बदले जाते हैं। ठीक है, बाकी वही है पुरानी, कहते हैं ना पुरानी बोतल में नहीं शराब, तो वही है अच्छा नहीं बोतल में पुरानी शराब, जैसे भी हो काम वही है, स्वच्छ भारत अभियान वही है। चलिए सवाल आगे देख लेते हैं हम लोग, बहुत छोटा सवाल देंगे, ज्यादा लंबा देंगे तो आप लोग लगा भी नहीं पाएंगे, मतलब लगाएंगे समय टूटेगा। कितना ले, चलिए 65.60.5 0.5 60.5 71 71 कहाँ लिख रहे, वही लिख रहे हैं ना, वही वही डिजिट वही चलने दे, 65.651 65.056, ये है आपके पास कुछ डिजिट दिए गए हैं, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ हाँ बताइए, अगर इसको मान लेते हैं ए फार एप्पल, इसको विकल्प मान लेते हैं बी फार बाल, इसको मान लेते हैं सी फार कैट, डी फार डॉग। अभी आप लोगों बाल वन विज्ञान हम लोग ये पढ़ेंगे, क्यों ऐसे पढ़ते हैं, क से कबूतर, कबूतर करता गुटर गु, ए फार एप्पल, एप्पल माने से,
इसकी भी रीजन है, ऐसा थोड़ी नहीं बच्चों को पढ़ा दिया जाता है पढ़ो। तो सीटेट में यह भी सीखना है कि वैसे पढ़ाते हैं। और गणित को जानते हैं, गणित अमूर्त शिक्षा होती है। कहते तीन कलम आओ के पास, पांच कलम मेरे पास। बालक कहते कहा को कलम है नहीं है। कहते कुल कलम कितना, कहना पड़ता है मजबूरी माठ। तो गणित तो सबसे अमूर्त विषय है, जो दिखाइयो नहीं देता, मिलता एक को नहीं। पांच से भाग के बाद तीन दे दिया आपको, और कितना हो गया से? अरे मिले तब तो बताए कितना हुआ। तो गणित विषय ये अमूर्त विषय है, बाकी आप विषय पढ़ेंगे तो मूर्त रहेगा। गणित क्या है, एकदम पूरी तरह से अमूर्त है। लेकिन ये ऐसा विषय है कि सभी विषयों का विज्ञान, विज्ञान का प्रवेश द्वार है ये। विज्ञान में घुसना चाहे होकर जाइए, और जितने भी विषय हैं, जितने भी विषय हैं बिना इसके वो अधूरे हैं, बिना इसके हमारे विषय के। इसे कहते हैं हम गणित। ठीक, बाल विकास पढ़ेंगे, किसी का IQ नापेंगे, किससे नापेंगे? हिंदी में नापेंगे, गणित में आएंगे, पाठ का नाम डालेंगे, पाठ एक पाठ दो ही। क्या है? गणित है। तो आगे लोग पढ़ेंगे, गणित की भी अपनी भाषा होती है, गणित की अपनी भी एक भाषा। उससे बड़ी बात यह, गणित का अपना व्याकरण होता है। कहेंगे ये कौन सी बात, गणित का व्याकरण होता है? जैसे ग्रामर पढ़ते हैं संस्कृत, अभी जो उन्होंने संस्कृत रखा होगा संस्कृत ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक, हिंदी वाले हिंदी ग्रामर, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी ग्रामर पढ़ेंगे, पीछे खड़े हैं हाँ तो अंग्रेजी ग्रामर पढ़ेंगे, और तुम गणित पढ़ रहे हैं तो गणित वाले गणित का ग्रामर पढ़ेंगे। कहेंगे इसमें कौन सा ग्रामर होता है, ये आया आपका, सबसे बड़ी सबसे छोटी कौन सी है? अच्छा, तो छोटी कौन सी इसमें? हाँ अच्छा, चल अगर आप लोगों ने बता ले ठीक है, जो नहीं बताओ कमेंट बॉक्स में बताएगा कि सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। देख लीजिएगा, फिर से पढ़ दे रहे हैं, 65.65, 65.05, 65.651, 65.05 है। इसमें सबसे छोटी बिंद कौन सी है? ठीक, और हाँ ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है, यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6306344367 पर ज्वाइन सीटेट लिख के आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या इसमें कॉल करके अन्य जानकारी ले लीजिएगा। और एडमिशन प्रोसेस जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि पूरी तरह से सीटेट पैटर्न को सीटेट पैटर्न की तरह से हम लोग पढ़ाएंगे, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे। तो फिलहाल ये आपका स्वविवेक है, अगर आप किसी संस्था जुड़ना चाहते हैं, यदि आपको लगता है यह संस्था आपके लिए बेहतर है तो आपका मोस्ट वेलकम, वरना आप स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र रहना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हाँ लेकिन हाँ, पढ़ते रहिएगा, NCERT किताबें ले लीजिएगा कक्षा 3, 4, 5, जिसका नाम होता है गणित का जादू। वहां से क्या क्या चीज़, जादू तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन हाँ सीटेट में गणित में बिना मेहनत के 30 में 28 कर पाएंगे। कारण क्या है, जो बंदा गणित से डरता हो, वास्तव में जिसको डर लगता हो कि यूपी टेट में हम 10 नहीं कर पाएंगे, वो सीटेट में 28 कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह लगाना कम समझना ज्यादा। और आप सब समझदार पहले से, आप भी तो समझदार हैं नो डाउट, अगर समझदार ना होते इतनी मेहनत से ना पढ़ते, इतना लंबा वीडियो भी आप ना देखते। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर वो विवेक है, आपके अंदर वो सोच है कि आप भी सीटेट पास होना चाहते हैं। क्यों होना, ये 7 साल के लिए वैलिड है, एक बार पास के 7 साल, और पूरे देश के जितने भी राज्य हैं सभी के लिए मान, यूपी टेट के लिए, यूपी के लिए। तो क्यों ना चाहेगा हम या हो आप हो, 7 साल बेहतर है 5 साल, 7 साल पूरे भारत के लिए, KVS, DSSB, नवोदय और अन्य जो भी राज्य निकालते हैं, और प्लस उत्तर प्रदेश के लिए तो ये अपना प्रदेश है ये। ठीक, तो इसलिए सीटेट फोकस करिए। गणित अभी कमजोर है, व्याकरण अगर आपकी कमजोर है तो सीटेट पास करना बेहद आसान है। हाँ लेकिन एक चीज होना होगा, आपको वास्तव में अपने आप को मास्टर समझना होगा। कौन सा मास्टर? छड़ी लेके मारने वाला नहीं, जैसे पूछ दिया बालक कि सर ये बताइए सूर्य पूरब कहाँ निकलत है, तो बट करो निकलत वहीं से। अगर इस तरह की सोच के बनेंगे मास्टर तो नहीं बन पाएंगे। ठीक, वो आपको वास्तव में अपने आप को एक अध्यापक समझना पड़ेगा, जो आपका कर्तव्य है। और कौन सा कर्तव्य? जो आप 2 वर्षीय प्रशिक्षण में एक अध्यापक बनने का प्रशिक्षण लेते हैं, वो वाले अध्यापक। क्योंकि बच्चों को जिज्ञासाओं को आपको शांत करना है, शांत करने मतलब डांट के नहीं, आपको मनन करना है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो बालक से बताइए कल बताएंगे, और जिस स्तर पर जाकर बताना उस स्तर पर जाकर समझाना है, मतलब जिस स्तर पर बालक समझ सके। क्योंकि 40 बच्चों की कक्षा में आपको 40 किस्म के बच्चे मिलेंगे, उसमें कोई कल्लू की तरह खुरापात ही मिलेगा, ठीक है, तो उसकी तरह खुरापाती रहेगा, तो उसको भी आपको पढ़ाना है। और कोई आप लोग की तरह प्रखर बुद्धि वाला भी बालक मिलेगा, और कोई मेरी तरह मंद बुद्धि बालक भी मिलेगा क्लास में। तो इन सबको संभाल के पढ़ाना आपका कर्तव्य, यही आपके अध्यापक बनने का गुण है, जिसे एक लाइन में कहते हैं कौन सी शिक्षा, वो आप कमेंट बॉक्स बताइएगा इसको कौन सी शिक्षा कहते हैं। कि लंबा चौड़ा, चाहे वो लड़का दिव्यांग हो, चाहे वो जिस परिवार से जिस समाज से हो, चाहे मंद बुद्धि मेरी तरह आपकी तरह प्रखर बुद्धि, सभी को एक ही कक्षा में बैठा के पढ़ाना, ये कौन सी शिक्षा है, ये भी आप बताइएगा। क्योंकि यहाँ से भी यहाँ तक कि इसकी किताबें आती हैं, एक सेमेस्टर इसी में पार हो जाता है,
जैसे अगर जो यूपी के डीएलएड वाले होंगे तो इन्हीं की किताब है, मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में इसको पढ़ना है। और यह चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, यहां से 2 से 3 प्रश्न प्रतिवर्ष फिक्स है। ये कौन सी शिक्षा है? बहुत आसान है। सर अभी बाल विकास वाले सर पढ़ाएंगे, वो उससे बेहतर बताएंगे, क्योंकि भाई उनका वो सब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट वो बेहतर बताएगा। बेहतर से मतलब अपने आप को बेहतर समझिए और बेहतर तरीके से पढ़िए, क्योंकि सी टेट पास करना बेहद आसान है यूपी टेट या अन्य राज्य के टेट की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पढ़ना कम समझना ज्यादा। तो फिर इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, इसलिए कि आप पढ़ रहे हैं।